प्योर है और लगातार एक से एक सुखद कार्यक्रम, सुखद आशीर्वाद, सुखद समाचार हम देखते आ रहे हैं। जब से महाराष्ट्र का संघ चातुर्मास हेतु शिवनी में आया है, लगातार नए नए धार्मिक संस्कारों के माध्यम से पूरे चार महीने धर्म, संस्कृति और ज्ञान की गंगा लगातार महाराष्ट्र के आशीर्वाद से, महाराष्ट्र की प्रेरणा से बहती रही है। मुझे एक और, चूंकि महाराज जी के प्रवचन सुनने में एकत्रित हुए हैं, इसलिए मैं दो मिनट में केवल जो बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि एक और शुभ समाचार, सुखद समाचार सुनाने का अवसर मुझे महाराज जी ने दिया है। अभी दो दिन पहले मैं आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करने जबलपुर गया था और मैंने अलग से समय लेकर, महाराज जी ने, आचार्य जी ने अलग से समय मुझे दिया था आचार्य भगवान ने, और मैंने उन्हें जब जानकारी दी कि महाराज जी परम पूजनीय माता जी दृढ़मती माता जी की प्रेरणा से माता जी ने हमको प्रेरणा दी थी कि जो बड़े बाबा हैं, मूल नायक हैं हमारे, उस बेदी का रजती का कार्य होना चाहिए, उन्होंने प्रेरणा दी थी। और जब आदित्य सागर महाराज जी चातुर्मास हेतु पधारे और हम सब ने उन तक ये बात पहुंचाई, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनकी प्रेरणा से बड़े बाबा के रजतीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। बड़े बाबा का विधि विधान से अन्यत्र स्थान अस्थायी रूप से हमने उन्हें स्थानांतरित भी किया है और बड़े विधि विधान से सारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। और उसके महाराज जी ने विशेष तौर से और सारी समाज ने तो मांगा ही है, परम पूजनीय आदित्य सागर महाराज जी ने आशीर्वाद मांगा है, तो महाराज जी ने बिना देर के पूरी बात ध्यान से सुनी और दोनों हाथों से महाराज जी ने सुनी समाज को और इस कार्य को आशीर्वाद दिया। महाराज जी के लिए मैंने कहा ही था तो उन्होंने, मैंने बताया कि आदित्य सागर महाराज जी का चातुर्मास चल रहा है निर्विघ्न और उनकी प्रेरणा से सारे कार्य हो रहे हैं, उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दिया। और मैंने भी फिर सारे समाज के लिए कि महाराज जी आपके चरण भी शिवनी की ओर गमन करें, ऐसा हम सबका आग्रह है। महाराज जी ने उसके लिए फिर से दोबारा आशीर्वाद दिया। तो यह खुशखबरी सुनाने का अवसर मुझे मिला है, महाराज जी को धन्यवाद। केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि परम पूजनीय आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज जी का आशीर्वाद तो हम लोग को पहले से है ही है और इस कार्यक्रम में, श्रृंखला में हमको आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया। सोने में सुहागा इसको कहते हैं कि इन सारे कार्यक्रमों में हमको दो दो आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला है। मैं केवल अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी निश्चित रूप से कुछ लोगों के मन में शुरू से, जब ये बड़े बाबा को स्थानांतरण करने की बात हुई थी, निष्ठापन करने की बात थी, थोड़ी सी शंकाएं थी, मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनम्र, यहाँ वो नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन उन तक ये बात पहुँच जाए, मेरा बड़ा उनसे विनम्र अनुरोध है, अभी भी चातुर्मास समाप्ति में कुछ दिन बाकी है, महाराष्ट्र से वो आशीर्वाद लें और महाराष्ट्र द्वारा आपकी प्रेरणा से समाज के द्वारा जो सारे कार्य किए जा रहे हैं मंदिर में, उन सारे कार्यों में अपना सहयोग करें। सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ जोड़ के अनुमोदना अवश्य करें, ऐसा मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है। इन सब बातों के बाद मैं महाराज जी से मंगलमय वाणी के लिए अनुरोध करने जा रहा हूँ, वे भी करेंगे। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, बार बार नमस्ते महाराज जी।